थोड़ा सा जल्दी माइक। एक सवाल मेरा खली जी के लिए भी है। खली जी, आप एकमात्र इंडियन रह चुके जो WWE में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन उनको का टाइटल आपको मिला, और मुझे वो मैच अभी भी याद है। आपने शायद केन और बिग शो को ओवर द टॉप आपने फेंका था, और आपने वो 15 मैन ओवर द टॉप रंबल जीता था। सर, सवाल ये है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि MMA में हम इंडिया का टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, बट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू WWE, आपके बाद कोई इंडियन वहाँ पे इतना बड़ा इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाया। व्हाट इज उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और क्या इंडियंस को उस दिशा में प्रमोट करने के लिए आप कुछ करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं जैसे पहले भी आपको बताया कि भाई यहाँ पर इंडिया पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना बहुत टफ है, क्योंकि स्पेशली जैसे MMA लगा लो आप, और दूसरी ये प्रो रेसलिंग लगा लो आप, जो WWE आप देखते हैं। सो मेरे जो अभी मेरे बाद मेरे गए कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे वहाँ पर गए हैं, तो चलो कितनी मतलब उनको सक्सेस मिलती है वो तो एक बात की बात है, लेकिन मतलब मेरे 10-12 लड़के हैं जो मेरे CWE से WWE में गए हैं, और मेरे को अच्छा लगता है कि भी एज ए मैं WWE को छोड़ के, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर WWE के कॉन्ट्रैक्ट थे, हॉलीवुड के मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट थे, और मेरा अपना वहाँ बिजनेस था। पर लेकिन मेरे जैसे बोलते ना यार कि भी मैंने मतलब मुकेश अंबानी तो मैं बनना नहीं यार, मेरे पास मतलब परमात्मा ने इतना दिया है कि ज़रूरत से ज़्यादा दिया, इतना कभी सोचा नहीं था हमने कि हम जो हमारी बैकग्राउंड है, हमारी बहुत जैसे बोलते ना एक पोअर फैमिली से आती है, सो उम्र को बहुत दिया, इतना सोचा नहीं था कि भी इतना भी मतलब। सो मैं सारा कुछ छोड़ के वहाँ पर मैं वापस इंडिया आया। मेरा ड्रीम था कि भी यार मेरे जैसा सपना था WWE पे जाने का, तो क्यों नहीं मैं इंडिया पे जाऊँ और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दूँ जो मेरे जैसे लड़के और भी है, और उनको WWE में भेजूँ। सो मैं 2015 पे वापस इंडिया आया, और मेरे काफ़ी सारे लड़के हैं जो यहाँ से WWE में गए, और वो अब वहाँ पर वो बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं, जो ये जिनके पास कुछ नहीं होता था यहाँ पर, मतलब एक नौकरी के लिए तरसते थे, वहाँ पर उनको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है यार मतलब मेरे जिस सोच को लेकर मैं इंडिया में आया था, तो सोच में मैं बहुत सक्सेस हुआ हूँ। बहुत सारे लड़के मेरे जो वहाँ पर WWE पे गए हैं, और यहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े इवेंट करे मतलब यहाँ पर जो इंडिया में। सो बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है मतलब जो नया एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, पर लेकिन अगर अच्छे लोग मिल जाए तो हो सकता है मतलब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत जैसे केरला में लगा रहता था मेरा, क्योंकि जो यहाँ पर अगर सरकार थोड़ी सपोर्ट करे तो यहाँ पर हर स्पोर्ट्स बहुत आगे आ सकती है।
यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या है कि भाई वो सिर्फ सरकार का क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस होता है और बाकी क्या बोलते इसको करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जो इधर इधर के इस पे खर्च करते हैं, लेकिन वो सही अगर उनको दे ना, जैसे मान लीजिए एमएमएल ला रहे हैं कि भाई आप करो हम सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ऊपर जा सकती है गेम, बहुत आगे निकल सकती है। पर प्रॉब्लम क्या है, जितने मैंने फाइंड आउट करी है इस पे, प्रॉब्लम क्या है कि जो जब आप कुछ करेंगे ना तो सरकार आपके पास ना इतनी लंबी लिस्ट ला लेंगे कि ये परमिशन, ये लाइसेंस, ये फलाना लाइसेंस। बंदा ना ऐसे ही फेडअप हो जाता, छोड़ यार कहाँ, मतलब मैं मतलब एक कंट्री के लिए, यंगस्टर के लिए कुछ करना चाहता हूँ लेकिन ये लोग सरकार करने नहीं देते। सो अगर हम सब लोग मिलके, जैसे अगर हमारे जैसे बोलते ना मजबूत इरादे है, तो हम लोग इस पर कामयाब होंगे। मतलब सो मैं बस यही मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव की बात बता रहा हूँ। और अगर सरकार सपोर्ट करता है ना तो बहुत आगे जा सकती है। ये लोग क्या कि मतलब इधर इधर इतना पैसा बर्बाद करते हैं। जैसे बोलते हैं ना एक एक ग्राउंड के लिए पैसा देंगे तो 50 करोड़ दे देंगे, अगले साल उनको फिर बोलते यार हमारे को ग्राउंड बनाना है, हमारा स्टेडियम बनाना, कोई पता नहीं कहाँ पैसा जाता है। और मैं दूसरा में बताना चाहूँगा, मतलब ना जो अपने जो हिंदुस्तान, ये नहीं बोल सकते कि बजट इतना बजट देते हैं, मेरे को नहीं लगता इतना फॉरेन के लोग भी बजट देते होंगे जितना हिंदुस्तान बजट ही शो करते हैं, पर लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है, कौन खा लेता है उसका नहीं पता लग रहा है। इनके पास ना तो कोच अच्छे होते हैं और ना इनके ग्राउंड अच्छे होते हैं, ना कोई और फैसिलिटी होती है, पर बजट इतना, देखो आप अगर कभी बजट देखेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना बजट मतलब ना अमेरिका की सरकार भी नहीं देती होगी स्पोर्ट्स के लिए जितना यहाँ पर देती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ही, मतलब सो यहाँ से जो मैं सभी को नहीं बोलूँगा, कुछ लोग जो दूसरे जो गेम के है वहाँ पर देखो ना कैंप लगाएंगे, ये लगा रहा जो अमेरिका कैंप, ये लगा रहा फलानी जगह कैंप, पर मैंने खुद देखे है फॉर्मेलिटी के कैंप लगाते हैं और वो सारे आपको माहौल पे देखने को मिलेंगे, मतलब जो उनके कोचेज भी और उनके स्टूडेंट भी। सो इतना पैसा बर्बाद करते हैं, मैं चाहूँगा कि अगर उसमें से 5% सपोर्ट करे जैसे MMM है कि भाई आप बस करो, हमारे को, मैं कहता हूँ कि हमारे को पैसे की भी जरूरत नहीं है, हमारे गेम को पैसे की जरूरत नहीं है कि हमारे को आप पैसा दो हम तब स्पोर्ट्स करेंगे, हम कहते हैं हम खुद करेंगे। एमएमए है और दूसरी ये क्या बोलते हैं उसको प्रो रेसलिंग है, हम खुद करेंगे, खुद पैसा लगाएंगे। पर जो सरकार का रोल पता क्या होता है, अगर बात मान लगे, अगर एक चीज़ मेरा दूसरा है कि अगर आप सोचेंगे कि भी हम फ्री पे दिखाएंगे, फ्री पे यहाँ पर हिंदुस्तान पर ना फ्री की आदत पाई है ना, फ्री की कभी कदर नहीं होती, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप फ्री पे दिखाएंगे तो यहाँ फ्री पे कदर नहीं होती, और फ्री की आदत डाली है सरकार ने, फ्री की आदत डाली कि हम आपको फ्री पे देते हैं। बात माने आपने अपने जेब से करोड़ों रुपए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग ना अभी आप शायद आपके ना अभी आएगा स्टेज, अभी आएगा आपका स्टेज हो, जब आप सोचे ना कि यार बहुत ग्रैंड हमने मतलब एक वो करना है, एक शो करना है जिसपे इंटरनेशनल होएंगे और नेशनल के होएंगे सब लोग, मतलब ना, तो अगर आप अच्छा करेंगे, अगर टिकटें नहीं बेचेंगे आप तो कहाँ से पैसे आएगा, सारा मतलब टीवी वाले से तो नहीं आएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको जो आप कॉपीराइट देते हैं आप, है ना, कॉपीराइट देते हैं सारा, उससे तो नहीं आएगा कुछ ना कुछ, तो आप टिकटें बेचेंगे। आप फॉरन पे देखिए, फॉरन पे देखिए, आप कुछ भी करो सब लोग टिकट लेंगे, सब लोग टिकट लेंगे, टिकट देख के शो देखते हैं। आपको भी ये ज़रूरत पड़ेगी, हमारे को सबको ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम पे। तो सरकार का रोल क्या है कि मतलब सरकार का पहले तो इतनी लंबी लिस्ट होगी कि हमारे को 1000 टिकट दे, अपने अपने इसके अलग अलग डिपार्टमेंट के आएंगे, मतलब कितने टिकटें दे दो, फिर उनने बैठना भी, ये नहीं बैठना कि जहाँ आप बोलेंगे वहाँ बैठाना कि भाई यहाँ बैठो आप,
वो बैठाएंगे, बोलेंगे हमारे को आगे बैठाओ, मतलब वो बोलेंगे कि हमने तो लॉकअप रूम पे जाना जहाँ पर रेसलर होते हैं, जहाँ के स्पोर्ट्समैन होते हैं, वहाँ बैठाना। आप बोलेंगे यार क्या यार, तुमने अभी शो देखना है, तुमने इवेंट को देखना है, तुम ग्राउंड पे देखो, जहाँ तुम्हारे को सीट दिए वहाँ बैठो आप। पर वो इतना अपना इन्वॉल्व अपना ये करना चाहते हैं, मतलब उस पेपर की भी जो देना देना उन्हें कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ फ्री पे परमिशन भी दे दे, अगर आपने बड़ा सा मतलब बाद में कि आपने इंदिरा गांधी स्टेडियम पे बनाना है अपने शो, आई थिंक वहाँ पर 25,000 की भी कैपेसिटी है, 25-30,000 की कैपेसिटी है। तो अगर आप लोग बड़ा इवेंट करना चाहते हैं, अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पर लेकिन मेरे फिर बात हो जाती है, कभी गिव अप नहीं करना। सब लोग हम रल के करेंगे ना, सब लोग रल के करेंगे तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं कि नहीं होती, मतलब। सो मेरे सभी के लिए शुभकामना है, आप तकड़े होके करो। और मैं सोचता कि जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनती है ना, शायद ही फॉरेन के भी नहीं होते इतने मेहनती लोग, ठीक है। सिर्फ आपको आपको जरूरत है एक मोटिवेशन की, मतलब कभी भी कहीं आपने ये नहीं होना यार डीमोटिवेट नहीं होना यार, नहीं यार मतलब फलाना ने ऐसा बोल दिया, फलाना मैं हार गया, मैं ऐसा हो गया, बहाना नहीं ढूंढना। मतलब यू शुड बी स्ट्रांग, जो आपने फोकस बना दिया ना उसको, अपना टारगेट को इधर इधर नहीं करने का, तभी आप मतलब कामयाब हो जाएंगे, मतलब किसी भी फील्ड पे। अगर कभी हम बार बार सोचेंगे ना आज जोश है, कल मेरा कुछ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया तो मैं बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, इस तरह नहीं होना। मतलब दोस्तों मैं अपनी चलो मतलब ये तो बात हुई, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। जो मेरी बैकग्राउंड है, मेरी बैकग्राउंड में पहले सबसे पहले मैं शिमला पे होता था, और बैकग्राउंड मेरी मतलब किक बॉक्सिंग और ये कराटे खेलता था मैं वहाँ पर। तो अपना मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत हाई लेवल पे था। मैं सोचता यार मैं जितने भी बंदे आए ना मैं मतलब मारूंगा ना फट्टे चक दूंगा। इससे जो अगर आप सीखते हो करते हो इतना, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत आपका बच जाएगा लाइफ का। मिलो कभी आप किसी से डरेंगे नहीं, कभी आप किसी से मिलो ना। Absolutely, absolutely. So, मैं 94 पे मैं पंजाब पे आया था, और उस टाइम वहाँ पर इतना मतलब एक टेररिस्ट का टाइम था, सब लोग मेरे को कहते भी आप मत जाओ पंजाब पे, ये होता है। फिर मैं कह था यार मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना जो जैसे बोलते ना कॉन्फिडेंस, मतलब वो कॉन्फिडेंस मेरे को पंजाब पे लाया। वहाँ से जब मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू करता था वही कॉन्फिडेंस मेरे को मतलब अमरीका लेके गया। अगर मेरे मन पर डर, मेरे को किसी ने भी, मैं बोलता हूँ मेरे को किसी ने ये मोटिवेट नहीं किया कि आप जाओ हम आपके साथ, किसी ने नहीं बोला। मतलब पर मेरा अपना जैसे बोलता ना कि जुनून कि यार मतलब सब लोग मेरे को बोलते यार यार WWE मेरे तो गोरों की गेम है, हाँ आपकी हमारी इंडियन की गेम नहीं है। फिर आता था वापस यार नहीं यार, मेरे जैसे बोलते ना अपने पावर पे और अपना जो एक कॉन्फिडेंस था कि भाई मानना भी बहुत तेज था मैं मतलब। सो वही कॉन्फिडेंस मेरे को WWE पे लिया लेके गया। सो कराटे MMA बहुत अच्छी, आप किसी भी फील्ड पे रहेंगे, आप तो मतलब आज आप MMA कर रहे हैं, कभी आप छोड़ेंगे, कभी बिजनेस पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई होगा। अगर कोई हाई आपका कॉन्फिडेंस हाई है ना तो किसी भी फील्ड पे आप बहुत इजीली जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, एक बार जोरदार तालियां फॉर मिस्टर खली, थैंक।